क्वेश्चन है एनडीए 2023 का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन कह रहा है लेट टी सब वन टी सब टू टी सब थ्री बी इन जीपी व्हाट इज टी सब वन टी सब थ्री अप टू टी 21 रेस्ट टू द पावर 1 ओवर 11 इक्वल टू। देखो बहुत आसान मेथड बताता हूँ। देखो टी सब वन सब टी सब टू टी सब थ्री कर लें ऐसा ही सो ऑन अप टू टी 21 तब भी ये जीपी में होंगे। ठीक है जब आपस में इक्वल होते हैं तब भी वो एपी जीपी एचपी सब होते हैं तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज टी सब वन टी सब थ्री ऐसे टी 21 रेस्ट टू द पावर 11। अब आप देखो इसमें से टोटल टर्म हमें निकालना है तो देखो लास्ट टर्म 21 है फर्स्ट टर्म इतना है और सब में कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 2 है तो यहां से एन इक्वल टू क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है तो इसका मतलब हम अगर सबको एक बराबर करें तो टी सब वन टी सब थ्री की जगह भी टी सब वन ऐसे ऐसे करके आपको क्या हो जाएगा टी सब वन हो जाएगा टू द पावर 1/11। ये टोटल कितने बार आया 11 बार इसका मतलब टी सब वन हो जाएगा। अब आप देखो ऑड सबस्क्रिप्ट आया है सब में ऑड पूछ भी रहा है टी वन टी थ्री टी तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आप बी और डी तो यूं ही इलिमिनेट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है नहीं स्क्वायर नहीं आ रहा है सीधे पावर कट जा रहा है इसका मतलब ए और सी में से। अब आप देखो टी सब 10 क्यों नहीं आएगा क्योंकि भाई सब देखो यहाँ पे ऑड सबस्क्रिप्ट आ रहा है और ए क्या है इवन सबस्क्रिप्ट 10 इसका मतलब टी सब 11 आएगा इसका आंसर। ठीक है तो इस कदर इसको सॉल्व करना था।